30 जनवरी बसंत पंचमी का दिन और जनपद फरुखाबाद में अचानक एक घटना की जानकारी मिलती है। उस घटना के बारे में यहां विस्तार से हमारी अधिकारियों ने भी, जनप्रतिनिधियों ने भी और प्रत्यक्षदर्शियों ने भी आप सबके सामने उस घटना का बयान किया है। जिस टीम ने वहां पर एक सफलतम ऑपरेशन को अंजाम दिया और उस ऑपरेशन के फलस्वरूप जिन लोगों के लिए शासन, प्रशासन, पुलिस इन सब का गठन होता है उन्हें राहत मिली, ये सब एक साथ यहां पर बैठे हुए हैं। आज के समारोह में उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, संसदीय कार्य एवं वित्त के मंत्री श्रीमान सुरेश खन्ना जी, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, माननीय विधायक श्री नागेंद्र सिंह राठौर जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, डीजीपी श्री हितेश चंद अवस्थी जी, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, आईजी कानपुर रेंज श्री मोहित अग्रवाल जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री पीबी रामा शास्त्री जी, पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस पूरी टीम जिसने 30 जनवरी को फरुखाबाद के एक गांव में सफलतम ऑपरेशन को अंजाम दिया था, इस टीम से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, गांव के सभी उपस्थित यहां पर नागरिकगण और प्यारे बच्चों, तीस जनवरी को मेरा स्वयं का कार्यक्रम बहुत व्यस्त था। बसंत पंचमी थी, प्रयागराज में गंगा यात्रा आई थी और प्रयागराज में मैं स्वयं मौजूद था। वहां के कार्यक्रम के बाद मैं एक कार्यक्रम में फिर गोरखपुर चला गया था। गोरखपुर कार्यक्रम संपन्न करके मैं सायंकाल वहां से चला और 6-6:30 बजे तक जब मैं लखनऊ पहुंचा तो 7 बजे के आसपास मुझे 6:30 बजे के आसपास इस घटना की जानकारी जैसे ही मिली थी तो मैंने एसीएस होम से और डीजीपी से इसके बारे में जानकारी ली कि फरुखाबाद में जो घटना घटित हुई है इसमें क्या कार्रवाई हुई है। तो मुझे बताया गया कि जिला पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी वहां मौके पर हैं, ये सारी घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो 7 बजे फिर मैंने जानकारी ली, मैंने कहा कि कोई अन्य सीनियर अधिकारी मौके पे गया है या नहीं गया है, तो मुझे बताया गया कि नहीं अभी कोई गया नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं, सबसे पहले आईजी रेंज को वहां तत्काल मौके पे जाना चाहिए, वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए और क्या हमें निर्णय लेना है इसके बारे में भी एक बैठक अभी यहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट की दिशा से, जिसमें चीफ सेक्रेटरी हैं,
एसीएसओ में हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं, डीजी विजिलेंस हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एटीएस और एसटीएफ के प्रभारी गण हैं, इन सभी को तत्काल बुलाया गया और 8 बजे से हम लोगों की बैठक के साथ साथ पल पल की जानकारी अलग अलग अधिकारी अलग अलग स्तर पर लेकर के फिर इस घटना को लेकर के कि कैसे हम, क्योंकि पहले इस बात की जानकारी बहुत साफ नहीं थी कि कितने बच्चे अंदर हैं और इसके पीछे की मानसिकता क्या है, लेकिन जब सायंकाल 7 बजे तक स्पष्ट हो गई कि यह व्यक्ति एक दुर्भावना से गांव में भारी नुकसान पहुंचा सकता है और उसने इस बदनीयती के साथ इस घटना को अंजाम दिया है, तो हम लोगों के लिए भी अपने आप में एक चैलेंज था। इससे पहले कि हम लोग कोई रणनीति बनाते तब तक मीडिया भी इस खबर को कवर करने लग गई थी और प्रमुखता के साथ रीजनल और नेशनल सभी प्रकार के समाचार जो एजेंसियां थी उन्होंने इस खबर को लेना शुरू किया। स्वाभाविक रूप से पूरे देश के अंदर भी इसके बारे में चिंता व्यक्त की जाने लग गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोन भी मेरे पास आया कि फर्रुखाबाद में एक घटना कैसे है, क्या है, इसमें क्या हो सकता है, भारत सरकार इसमें क्या सहयोग कर सकती है। तो मैंने भी बड़ी विनम्रता से घटना के बारे में जानकारी देने के साथ ही इस बारे में भी अवगत कराया कि हमारा प्रयास होगा कि हम लोग पुलिस टीम मौके पर मौजूद है, एक एक पल की घटना की जानकारी ले रही है और पहली प्राथमिकता बच्चों को सुरक्षित करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बारे में कहा कि हाँ जैसे भी हो बच्चे सुरक्षित हों, पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए और इसके लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ बातचीत करने और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी आवश्यक रूप से इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार से जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो बेझिझक बताना और उसमें त्वरित कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके बाद माननीय गृह मंत्री जी का भी फोन आता है। हमारी बैठक चली रही थी, बैठक की और वहां की घटना के बारे में सायंकाल 7 बजे के बाद जो हम लोगों ने अपनी बैठक शुरू की, इसके बाद हमने एटीएस की टीम हमारी पहले ही घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी थी, क्योंकि एटीएस के पास प्रशिक्षित कमांडो हैं और प्रशिक्षित कमांडो वहां पर भेजे जाएं इस दिशा से हम लोगों की राय पहले से थी। जब माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का ही फोन आया तो तब तक डीजीपी और केंद्रीय गृह सचिव की भी बातचीत हो चुकी थी और माननीय गृह मंत्री जी से भी मैंने इस बारे में अनुरोध किया कि एनएसजी के कमांडो भी अगर वहां से चले तो अच्छा होगा और आधे घंटे के अंदर एनएसजी के कमांडो की सहमति भी हमें प्राप्त हो गई। हमें उनके को एक सुरक्षित गलियारा वहां से दिल्ली से फर्रुखाबाद तक देना था। एनएसजी अपने पूरी तैयारी के साथ वहां से चली और एटीएस ने भी यहां से फर्रुखाबाद के लिए प्रस्थान पहले एटीएस के कमांडो कर चुके थे। आईजी रेंज घटनास्थल के लिए पहले से रवाना हो चुके थे। चूंकि इतने अधिकारी बैठे थे कि इंटेलिजेंस के डीजी एडीजी और अन्य सभी अधिकारी 10-12 अधिकारी बैठक कर रहे थे और सबको अलग 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 जिम्मेदारी दी गई थी और मैंने हर से कहता था कि भाई मुझे हर पल की घटना दो, क्योंकि एक साथ बैठक हो रही थी लेकिन हर एक जगह की जानकारी होनी थी, साथ साथ मीडिया को भी देखना था, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार की घटनाओं का जो लाइव होता है वह खतरनाक भी हो जाता है। मुंबई अटैक के समय हम लोगों ने देखा कि
कुछ अधिकारियों को इसलिए खोना पड़ा था क्योंकि उसका लाइव जो दिख रहा था उसके कारण उन तत्वों को लाभ मिलता है जो नुकसान ज्यादा पहुंचाना चाहते हैं समाज को। एक एक कार्य को हर व्यक्ति अपने स्तर पर देख करके पल पल की जानकारी ले रहा था और फिर उसी में रणनीति भी बना करके आगे क्या कार्रवाई होनी इन चीजों को लेकर के। मैंने देखा इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कुछ अधिकारियों ने तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कार्य किया और इस चीज के लिए कहा कि हम इस घटना को सफलतापूर्वक अंजाम दे सक देंगे। हमारी प्राथमिकता थी कि एक भी बच्चे पर खरोंच न आए, एक एक गांव के व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। तो अब इस कार्य को, क्योंकि अंदर के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी कि अंदर क्या है, फिर मैंने पूछा भाई बच्चे कितने बजे से हैं, तो पता लगा 2 बजे के बाद से। मैंने कहा इतने बच्चे हैं, 22-23 बच्चे हैं, कोई रो क्यों नहीं रहा है, चिल्ला क्यों नहीं रहा है? क्योंकि 22-23 बच्चे हो, कोई रोए ना, कोई चिल्लाए ना। बाद में फिर गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि साहब वहां उसने बेसमेंट बनाया हुआ है और बेसमेंट में सभी बच्चे हैं। अब बेसमेंट से वो बच्चे सुरक्षित हैं भी नहीं हैं, तो मैंने जिलाधिकारी को कहा, मैंने कभी आप बातचीत करिए उससे एक बार, एक संवाद एक बार तो बना। उसने 6 महीने के एक बच्ची को बाहर भी किया, लेकिन संवाद बनाने और फिर वे बच्चे सुरक्षित हैं, मैंने कहा इसको कंफर्म करो कैसे होगा। तो फोन से उसने एक बच्चे से संपर्क भी करवाया, लेकिन डिमांड कि, और उसने दरवाजे में एक छोटा सा बता बना रखा था, वहीं से वह व्यक्ति अपने अनुसार फायर भी कर रहा था। जब इंटेलिजेंस के एक अधिकारी को भेजा गया कि भाई आप नजदीक से देख के, तो दौड़ के हाँपते हुए आए, कहा साहब बहुत खतरनाक स्थिति है, उसने तो पूरा बम फैला रखे हैं और वह व्यक्ति इस तरीके से पूरी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार बैठा है। हमारे पास समय नहीं था कि अब क्या करना है। तब मैंने आईजी रेन से इस बारे में कहा, मैंने कहा आप एक बार थोड़ा मौके पे देखें क्या हो सकता है, क्योंकि सामने का दरवाजा लोहे का है, लोहे के दरवाजे को आप आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे जब तक कि आपके पास एटीएस के कमांडो वहां नहीं पहुंचते हैं, एनएसजी जब तक वहां तक नहीं पहुंचती तब तक, क्योंकि ये दोनों पहुंचने में समय लगेगा। एटीएस को 2 बजे तक वहां पहुंचना था, एनएसजी कमांडो 4 बजे तक वहां पहुंचते, और तब तक अगर वह व्यक्ति अपनी किसी खुरापात को अंजाम दे दे तो बड़ी स्थिति पैदा हो जाएगी। बीच बीच में माननीय विधायक जी से, वहां के माननीय सांसद जी से सबसे मेरी बातचीत होती रही। अंत में आईजी रेंज ने और जिलाधिकारी ने मुझे बताया कि हम लोग जो स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं उसमें अगर हम दोनों ओर से हमला करते हैं पीछे से ही हम घुस पाएंगे, क्योंकि पीछे लकड़ी का दरवाजा है, आगे लोहे का दरवाजा है, कठिन होगा और इसमें कार्रवाई होगी, कार्रवाई में कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा अगर 23 बच्चों की जान बचानी है रिस्क तो लेना पड़ेगा। और फिर 1 बजे के आसपास रात्रि में, हम लोग 7 बजे से लगातार बैठे थे और रात्रि को ठीक 1 बजे घटना और इस सफलतम ऑपरेशन को संपन्न किया गया। सचमुच यह एक दुस्साहसिक घटना को अंजाम देने की कुत्सित मंशा को सफलतापूर्वक पुलिस ऑपरेशन से, जिसमें यूपी पुलिस ने सफलतापूर्वक उस ऑपरेशन को अंजाम देकर के सभी बच्चों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की।
और इस ऑपरेशन की देश ने भी दुनिया ने भी तारीफ की। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो व्यक्ति था दिखने के लिए वह अनपढ़ लगता था, लेकिन उसके पास वीडियो, आपको याद होगा आज से 15 वर्ष पहले चेचन्या में इस प्रकार का एक घटना घटित हुई थी, उसका वीडियो उसके पास मौजूद था और उसने उसी की तर्ज पर इस घटना को अंजाम दिया था। वह भारी नुकसान पहुंचाना चाहता था, जो वहां पे बम मिले हैं, जो उसने सिलेंडर बम बनाए थे, जो उसने वहां पर पूरी एक सर्किट तैयार की थी, ये भारी नुकसान की नियति से उसने तैयार की थी। और मुझे लगता है संकट के समय हमारा धैर्य और हमारी बुद्धिमत्ता हमारी सफलता के रहस्य को आगे बढ़ाती है, और यह फरुखाबाद में एक बेहतर समन्वय प्रशासन और पुलिस का, प्रशासन और जनता का, जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच में बेहतर जो समन्वय था, उस बेहतर समन्वय का एक बेहतर परिणाम आया था। और आया, उत्तर प्रदेश पुलिस एक सफलतम ऑपरेशन को वहां पर अंजाम देने में सफल रही, और जिसके कारण हर एक ने इस पूरी कार्रवाई की बहुत तारीफ की, उसकी प्रशंसा की। मैं इस पूरी ऑपरेशन के लिए आईजी रेंज के नेतृत्व में, पुलिस की पूरी टीम को और जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। और रात्रि में ही हम लोगों ने इसीलिए स्पष्ट कर दिया था कि भाई इस मामले में मीडिया के सामने स्थिति स्पष्ट हो। एसीएस सोम और तत्कालीन डीजीपी ने रात्रि 2 बजे ही मीडिया को सारी जानकारी उपलब्ध करवा करके पूरे घटना के बारे में भी अवगत कराया। यह घटना एक नजीर है, हमारे डे टू डे की लाइफ में इस प्रकार की घटनाएं कोई भी खुराफाती व्यक्ति, कोई भी समाज विरोधी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त तत्व इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का दुस्साहस कर सकता है, और हम लोगों को इस प्रकार के किसी भी उसके बारे में सदैव सतर्क रहना पड़ेगा। और खास तौर पर यह देखना कि कोई व्यक्ति अपने घर में निर्माण कार्य भी कर रहा है तो हमारे गांव के चौकीदार को, हमारे बीट के सिपाही को, हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को और अन्य प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी हुई किसी न किसी कर्मी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस व्यक्ति की पिछली हिस्ट्री क्या है या व्यक्ति किस उद्देश्य से इस प्रकार के कृत्य को कर रहा है। आपने देखा होगा जो उसने बेसमेंट बनाया है, 10 बाई 10 की एक काल कोठरी जैसी बनाई है, और किस तरीके से वो व्यक्ति एक आपराधिक मानसिकता के साथ इस पूरी घटना को अंजाम देना चाहता है। मुझे लगता है ये अपने आप में एक नजीर है सभी के लिए कि हम इन चीजों को हर एक स्तर पर देखें, और इस प्रकार की कोई भी दुस्साहसिक घटना न घटित होने पाए, आने वाले समय में कोई न करने पाए। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत शासन कार्य करने की बात कर रहा है, उसके पीछे यही मंशा है कि इस प्रकार के तत्व जब कहीं भी स्पेस पाएंगे वह आजीवन कारावास का सजा भोगता है, न्यायालय की जमानत पर आया है, लेकिन उस सब के बावजूद भी उसने अपने आचरण में कोई सुधार नहीं किया और वह आज भी उसके दिमाग में वही खुरापात घूम रहा है, और अपने उस खुरापातिक मानसिकता के तहत वह व्यक्ति इतनी भारी संख्या में एक गांव के पूरे बच्चों को ही उसका शिकार बना देना चाहता है। मुझे लगता है यह हम सब के लिए एक स्टडी केस है, केस स्टडी है जिसको हमें देखना चाहिए, और फिर इस आधार पर इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को चिन्हित करते हुए समय से उनकी काउंसलिंग और फिर समय पे आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई, या इस प्रकार की घटना अन्य जगह भी हो सकती, क्योंकि वह व्यक्ति अपने को अनपढ़ बता सकता है, लेकिन उसके बाद वीडियो पकड़ा जाता है चेचन्या का,
कोई व्यक्ति अचानक इन चीजों को नहीं देखता, लेकिन वह किस मानसिकता के साथ कार्य कर रहा है यह हमें देखना चाहिए। दूसरा, सिलेंडर बम बनाने का दुस्साहसिक कृत्य, दो दो सिलेंडर बम उसने फिट कर रखे हैं, कहीं उसके पास अन्य बम वहां मौजूद हैं, बारूद है, कैसे वह व्यापक नुकसान पहुंचाने की नियत से इस घटना को अंजाम देना चाहता है, ये हम लोगों के लिए बहुत इस प्रकार की घटना एक मैसेज देने वाली भी है। और इसका सफलतम ऑपरेशन इस प्रकार की घटनाओं के बारे में हमें सदैव अवेयर रहने के लिए भी प्रेरित करती हैं। मैं इस टीम से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, आज जो यहां पर उनका सम्मान यहां पर किया जा रहा है, मुझे लगता है कि अवश्य अन्य लोग इससे प्रेरित होंगे। इन बच्चों को भी इसीलिए मैंने यहां बुलाया है, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए बच्चे हैं, और इन बच्चों के भोलेपन का लाभ उठा करके वो व्यक्ति ने आसानी से बर्थडे पार्टी के नाम पर अपने घर में बुलाने में सफल हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ इन बच्चों ने भी बहुत धैर्य के साथ पूरी ऑपरेशन को वहां पे देखा, सुना, और सबसे बड़ी बात ये कि जो मुझे आशंका थी कि वे अब तक बच्चे चिल्ला रहे होते, वहां पर घटनाएं कुछ और हो चुकी होती, लेकिन पूरे धैर्य के साथ, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहता, मैंने कहता था कि बच्चों की चिल्लाहट नहीं आ रही है, क्या मामला है, क्योंकि उसने बेसमेंट को भी, मैंने सुना कि बेसमेंट को भी उसने ढकने के लिए ऊपर से एक टीन का ढक्कन बना रखा था, और कैसे खुरापाती मन से वो व्यक्ति अंजाम दे रहा था घटना को। और हमारी चिंता इस बात को लेकर के थी कि किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन वहां पर बड़े धैर्य के साथ इन बच्चों ने उस बात को वहां पर बर्दाश्त करने के साथ ही दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय भी दिया। बालिका 16 साल की वह बालिका जिसने सिलेंडर बम के कनेक्शन को काटने में सफलता प्राप्त की, और बालिका सचमुच इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि उसने एक बहुत बड़ी अनहोनी को होने से बचाया। अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, वेज पुलाव, पालक पनीर कोफ्ता, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ।